और अब बात कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की करें तो जी मीडिया आपसे लगातार अपील कर रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरे नहीं, सावधानी बरतें और सतर्क रहें, क्योंकि आपका आत्मबल ही इस वायरस को हराने के लिए सबसे बड़ी कुंजी है। ओमिक्रॉन के पीड़ितों की रिकवरी रेट बेहद ज्यादा है, ऐसा इसका जीता जागता प्रमाण है। मुकुल गोयल और उनका परिवार ओमिक्रॉन से पीड़ित तो हुआ लेकिन तेजी से रिकवर भी हो गया। जयपुर के मुकुल गोयल दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। गोयल और उनके परिवार में ओमिक्रॉन की पुष्टि 30 नवंबर को हुई और महज 3 दिन में सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मुकुल गोयल कहते हैं कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सामान्य सा फ्लू है। मुझे और मेरे परिवार को 30 नवंबर को ओमिक्रॉन हुआ था, लेकिन इसके हमारे को कोई लक्षण नहीं थे। ये कोविड का बहुत ही हल्के से हल्का रूप है, इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मरीज फटाफट ठीक हो जाता है। मुझे हमारी सबकी रिपोर्ट 3 दिन बाद नेगेटिव आ गई थी और हम बिल्कुल स्वस्थ एवं ठीक हैं। 1 दिसंबर को ओमिक्रॉन हुआ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ओमिक्रॉन हुआ, क्योंकि मैं एकदम एक्टिव और फिट था।